हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी पेस्तो पास्ता, वो भी एक्चुअल पेस्तो सॉस के साथ। और हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश बेसिल लीव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बेसिल लीव जो है वो बिल्कुल फ्रेश यूज़ करने वाली हूँ, और जो हम घर पे जो ग्रो करते हैं ना फ्रेश लीव्स और हर्ब्स, उनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, बहुत अच्छा अरोमा उनका आता है, और आप इनको घर पे ही आसानी से उगा सकते हैं। इसके साथ आप और भी हर्ब्स जैसे कि ओरिगैनो घर पे ही उगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम पास्ता, जिसे मैंने यहाँ पे पहले बॉईल कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप बेसिल लीव्स, ये फ्रेश बेसिल लीव्स हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 2 क्यूब चीज, जिन्हें मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून लिया है। फिर मेरे पास यहाँ पे है 4 चेरी टमेटोज। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 to 6 गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं। 1/2 टीस्पून हमारे पास यहाँ पे कुटी काली मिर्च है, और 1/2 टीस्पून हमारे पास नमक है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और 3 टेबलस्पून पाइन नट्स। अगर आपके पास पाइन नट्स नहीं हो तो आप इनकी जगह वॉलनट्स भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पेस्टो सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे हमारी बेसिल लीव्स जो है वो ग्राइंडर में ले लूंगी। उसके बाद हम हमारे पाइन नट्स डाल देंगे इसमें, गार्लिक क्लोव्स, ऑलिव ऑयल और हमारा चीज। अब हम इसका एक रफ पेस्ट तैयार करेंगे, हमें इसे फाइनली नहीं पीसना है। हमारी पेस्टो सॉस है वो यहाँ पे रेडी है। अब हम हमारे पेस्टो पास्ता रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे थिनली स्लाइस्ड गार्लिक। गार्लिक को हमें बस हल्का सा सौते करना है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे टमेटोज। और इन्हें भी हम सौते करेंगे। टमेटोज को हमें स्पैचुला की मदद से हल्का सा ऐसे प्रेस करना है ताकि वो अच्छे से जो है कुक हो जाए। अब हम इसमें हमारे पास्ता जो है वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी पेस्टो सॉस। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने हमारी सॉस जो है वो पास्ता में अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हमारा क्रीम ऐड कर देंगे और फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हम हमारे पेस्टो पास्ता को डिश आउट कर लेंगे। और हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से चीज। फ्रेश बेसिल लीव से। और हमारा पेस्टो पास्ता खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको घर पे जरूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।